हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वी आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम आवर होम। वेलकम टू सेंट एंजल्स ऑनलाइन क्लासेस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक यूरिन इन चैप्टर वन लाइफ प्रोसेसेस इन क्लास 10th। ओके स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट आर्टिफिशियल किडनी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस यूरिन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसे अगर बात करें यूरिन बेसिकली होता क्या है, जो यूरिन होता है इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट फ्लूड। ये कैसा फ्लूड होता है? इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट। ये क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट फ्लूड होता है। और ये कहाँ क्रिएट होता है? ये हमारे क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम में क्रिएट होता है। अब यूरिनरी सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है? हमारा यूरिन क्रिएट होता है। अब बात करते हैं यूरिन का जो एम्बर कलर होता है, एम्बर कलर का मतलब होता है जब आप येलो कलर एंड ऑरेंज कलर, जब येलो कलर एंड ऑरेंज कलर को आप मिलाओगे तो आपका जो कलर बनेगा वो कैसा बनता है? वो बनता है आपका एम्बर कलर। यानी एम्बर कलर जो क्रिएट होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? वो प्रेजेंस में होता है यूरोक्रोम। यानी यूरोक्रोम के प्रेजेंस में क्या होता है? एम्बर कलर क्रिएट होता है। इसका जो कलर होता है वो एम्बर कलर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ यूरोक्रोम। यूरोक्रोम क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन आर यूरिन। यानी ये क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो हमारे यूरिन में प्रेजेंट होता है और यूरिन को कलर प्रोवाइड करता है। अब यूरिन में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? जैसे अगर मैं बात करूँ, इसमें 96% क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है, यानी वाटर की क्वान्टिटी ज़्यादा होती है यूरिन में। उसके बाद फिर आता है 2.5% क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। 2.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। अब ये 2.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस पहले बात करते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो मेनली आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे अगर बात करें यूरिया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैसे होंगे? जैसे अगर आपका यूरिया हो गया एक, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड। यूरिया के फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है? NH2CuNH2। यूरिक एसिड का C5H4N4O3। यानी आप यहाँ देखेंगे कि इसमें मेनली क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसमें भी आपका कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यानी कहने का मतलब वो सब्सटेंस जो मेनली आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इसी के साथ साथ और भी आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपका वाटर। वाटर में आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, दीज आर ऑल्सो ऑर्गेनिक सब्सटेंस। हॉर्मोन्स, तो ये सारे जो आपके क्या होते हैं, ये आपके सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो आपके यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं। कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितने प्रेजेंट होते हैं? वो आपके 1.5% करीबन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं? जैसे आपका हो गया, जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये जो सारे आपके जो सब्सटेंस होते हैं, दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी वो सब्सटेंस जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर नहीं बने होते, दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे सोडियम हो गया, क्लोराइड, दिस इज़ नॉट क्लोरीन, दिस इज़ क्लोराइड, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, ये सारे आपके क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं जो आपके यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो आपके यूरिन में प्रेजेंट होते हैं। और अब बात करते हैं जब यूरिन फॉर्म्ड होता है, जब यूरिन बनता है तो रिएक्शन जो रहती है, पहले आपकी जो रिएक्शन होती है वो पहले कैसी होती है? वो एसिडिक होती है एंड उसके बाद कन्वर्ट हो जाती है किसमें? अल्कलाइन में। वो इसको अल्कलाइन में क्यों कन्वर्ट होती है? अल्कलाइन में कन्वर्ट इसलिए होती है क्योंकि हमारे यूरिन में जो यूरिया प्रेजेंट होता है, वो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करता है? अमोनिया गैस क्रिएट करता है। एंड अमोनिया गैस कैसा इफेक्ट दिखाती है? एक अल्कलाइन इफेक्ट दिखाती है। तो दैट मीन्स, यानी जो रिएक्शन पहले एसिडिक थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो अल्कलाइन रिएक्शन में कन्वर्ट
हो जाती है। एंड अगर हम बात करें जो होल डे में यानी कि एक पूरे दिन में 1.6 से 1.8 लीटर करीबन यूरिन क्या होता है, यानी 1.6 से 1.8 लीटर यूरिन क्या होता है पर डे हमारी बॉडी से क्या होता है, एक्सक्रीट होता है।